हेलो गाइस, आई एम शुभम सिंघल, योर बिजनेस स्टडी टीचर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 क्लास 12th का, जो कि हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, चैप्टर को पढ़ने से पहले चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो कि हमें पता होनी ज़रूरी है। पहला, फाइनेंस क्या होता है हमारे पास, मतलब फाइनेंशियल क्या होता है। अगर मैं तुम्हें बहुत आसानी से बताऊँ, यहाँ फाइनेंशियल का मतलब होता है पैसा, यानी कि मनी। हर ऑर्गेनाइजेशन को पैसे की ज़रूरत होती है, और उसके पास जब वो पैसा आ जाए तो उसे ये भी देखना होता है वो पैसा वो कहां पर कैसे खर्च करे। मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट, जैसे कि घर पे होता है पैसे का मैनेजमेंट। मम्मी बजट बनाती हैं, आपको दूध के लिए देती हैं पैसे, जिसमें से छुटपुट पैसे निकाल के आप बचा लेते हो। वहां पर क्या पता चलता है कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है और मम्मी का खराब। कभी कभी पकड़े जाते हो, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा है मम्मी का वहां पर, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहता है हमसे, ये तो हमने ऊपर ऊपर समझ लिया, पर भाई हमें पेपर में डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, तो वो भी देख लेते हैं एक बार। इन्होंने हमसे क्या कहा, इन्होंने हमसे कहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका मतलब ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करें। जी लिख देते हैं, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट। अब पैसा इकट्ठा करके रखना थोड़ी है मुझे अपने पास कि मैं अपने पास ही रखूंगा, यूज भी करना है ना उसे, तो फिर क्या लिख देंगे, एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब पैसा, छोटी सी डेफिनेशन, एक नंबर में कई बार आ जाती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, जितना ज्यादा मैं पैसे इकट्ठा कर सकूं वो मैं पैसा इकट्ठा करूं और उसका यूज करूं, ठीक है। अब यहां पर एक वर्ड आ गया फाइनेंस या फिर यूजेज ऑफ फाइनेंस, तो मेरे को एक छोटी दिमाग में चीज आई, मैं पैसा इकट्ठा किस लिए कर रहा हूं, पैसा इकट्ठा किस लिए कर रहा हूं और वो पैसा आएगा कैसे, वो भी देख लेते हैं एक बार। एक छोटी सी टर्म इन्होंने इसीलिए बता दी हमें, इन्होंने कहा एक टर्म आती है बिजनेस फाइनेंस। क्या टर्म आती है, बिजनेस फाइनेंस। इसका मतलब क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस का मतलब है वो पैसा जो कि मुझे रिक्वायर्ड है अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज आगे करने के लिए, वो बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज नॉन एज बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस एक्टिविटीज क्या हो गई हमारे पास, अब जो भी हमारी बिजनेस एक्टिविटीज हैं एक बार वो देख लेते हैं क्या क्या हो गई। जैसे कि भाई मुझे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, उसे रन करना है, टू रन इट, मुझे अपना बिजनेस मॉडर्नाइज करना है। मॉडर्नाइज का मतलब क्या होता है भाई, नई टेक्नोलॉजी लेके आना, और मुझे एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड भी कर सकता हूं ना मैं अपना बिजनेस, एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफिकेशन या फिर डाइवर्सिफाई। डाइवर्सिफाई का मतलब सबको पता होगा, मैं अपनी एक नई प्रोडक्ट की वो निकाल लूं ब्रांच, जैसे कि मैं पहले चॉकलेट बनाता था, अब चॉकलेट के साथ साथ मैंने मैगी या फिर कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया जो उससे अलग है। तो इस चीज के लिए हमारा बिजनेस फाइनेंस बेसिकली यूज होता है। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने दो टर्म देखी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है और बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, ठीक है। अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं अभी के लिए, जो कि हमें बहुत काम आएगा, वो क्या है। हमारे पास एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कई बार कि हमें बताओ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक बार लिख देते हैं इसे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है हमारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना है बस, इसके अलावा अगर किसी और तरीके से भी क्वेश्चन आता है तो वो हमें समझ आ जाएगा। अब एक बार वो टॉपिक देख लेते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव बताऊं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो वो होते हैं दो, हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है जी। हमारे पास दो टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, सेकेंडरी पहले ही होना चाहिए, उसके बाद जो कुछ है हमें वो करना है। अब तो इन्होंने कहा हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स,
जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी हमें वेल्थ मैक्सिमाइज कर देनी है, मतलब जो भी उनकी वेल्थ है वो बढ़ानी है। अब वेल्थ क्या होगी उनकी, इन्होंने छोटी सी चीज बोल दी है, वेल्थ का मतलब हमारे पास जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है जैसे कि शेयर्स, है ना। अब उनकी वेल्थ के लिए कई बार फॉर्मूला आ सकता है, आता नहीं है जनरली, पर एक बार फिर भी हम समझ लेते हैं। अगर हमें शेयर होल्डर की वेल्थ निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब उन्होंने हमारे पास कितने शेयर खरीद रखे हैं हमारी कंपनी के, इनटू में मार्केट वैल्यू, मतलब उन शेयर की मार्केट वैल्यू क्या है। अभी सपोज करो मैंने किसी कंपनी के 100 शेयर्स खरीद रखे हैं और उन 100 शेयर्स में एक शेयर की वैल्यू, हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 6 रुपए, तो कितनी हो गई मेरी मार्केट वैल्यू या फिर वेल्थ, वो हो गई मेरी 600 रुपए उस कंपनी में वेल्थ। अब कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, ठीक। आप एक नंबर में, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से समझा सकते हो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस फॉर्मूले के साथ, और थोड़ी सी थ्योरी लिख के समझा सकते हो। अब दूसरी चीज आती है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारे पास। अगर मैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के लिए बताऊं तो बहुत आसान होता है। पहला, एंश्योर करना है मेरे पास जितना मुझे पैसा चाहिए उतना हो, मतलब एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशियंट फंड्स, जितना मुझे पैसा चाहिए मेरे पास उतना पैसा हो, ऐसा ना हो कि कभी मेरे पास पैसा नहीं है उस वजह से कोई अपॉर्चुनिटी निकल गई मेरे पास से, ठीक है। देन हमारे पास क्या होता है नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो मेरा पैसा है वो ऐसे ही पड़ा ना रहे खाली, मतलब अवॉइड आइडल फाइनेंस, खाली पड़े रहने से मतलब क्या है। सपोज करो मुझे कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना था, मुझे इन्वेस्ट करने थे 5 करोड़ रुपए, यहां पर समझा रहा हूं, मुझे इन्वेस्ट करने थे 5 करोड़ रुपए, ठीक है, और मैंने सोचा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मैं बाहर से फाइनेंस ले लेता हूं। मैंने बाहर से किसी भी कंपनी से मैंने फाइनेंस लिया, किसी बैंक से मैंने फाइनेंस लिया, और मैंने फाइनेंस ले लिया 10 करोड़ का, मैंने फाइनेंस ले लिया 10 करोड़ का। अब इस 10 करोड़ में क्या हुआ भाई, उन्होंने कहा मेरे से कि आप इनसे पैसा ले रहे हो, इससे प्रॉफिट कमाओगे तो हमारा भी कुछ होगा, तो उन्होंने कहा जी हम इस पर पूरे साल का 10% का इंटरेस्ट लेंगे, 10% पर एनम, ठीक है जी। मैंने कहा ठीक है। अब इन 10 करोड़ को जो मैंने लिया, इन्हें मैंने 3 जगह पर इन्वेस्ट करना था, पर मैं 2 ही जगह पर कर पाया, मैं 2 ही जगह पर कर पाया, कितने कितने, एक जगह पर मैंने 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए जो कि मुझे करने थे, दूसरी जगह पर मैंने एक और प्रोजेक्ट में 2 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है जी। तीसरी जगह पर जो मैं करने थे 3 करोड़ रुपए वो मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया किसी भी वजह से। तो अब यहां क्या होगा, जो 3 करोड़ रुपए है ना, ये पैसे पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा फालतू का, मतलब 3 करोड़ का 10% कितना हो गया, 3 करोड़ का हमें 10% दिखा देना है, वो हो गया मेरे पास 30 लाख रुपए। तो हमारे पास से जो 30 लाख रुपए है वो फालतू का जाएगा। तो इसी चीज के लिए कहते हैं हमें आइडल फाइनेंस, मतलब पैसे को हमें रखा नहीं देना, क्यों रखा नहीं रहने देना, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास से उसकी कॉस्ट जाती है, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट वन आ जाता है, उसे भी देख लेते हैं, टू कोऑर्डिनेट डाइवर्सिफाई ऑपरेशंस। मतलब कि मैं पैसा जहां भी इन्वेस्ट करूं ना, मैं अपने कोऑर्डिनेशन में करूं, जैसे कि सपोज करो मैं जूते बनाता हूं, मैं जूते बनाता हूं, नाइकी मेरा है, ठीक है। अब नाइकी के साथ साथ मैंने क्या करा, जुराबे बनानी शुरू कर दी, स्पोर्ट्स चीजें बनानी शुरू कर दी, इससे क्या होगा, मेरे पास जो जूते लेने आ रहा है वो जुराब लेने की भी सोच सकता है एक बार, तो इससे चीजें कोऑर्डिनेट होगी, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही है बस इस चैप्टर में, हमने क्या देखा अभी तक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखा, फिर बिजनेस फाइनेंस देखा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखा। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो इसे ध्यान रखना, एक नंबर का एमसीक्यू। होप करता हूं आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो लाइक करना ना भूलना।